संगीत रागी जी, 16 करोड़ के बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, ये आरोप लगा रहे सुरेंद्र राजपूत जी। आज तक किसी व्यक्ति ने संघ और संघ से जुड़े हुए किसी भी संकल्प और प्रकल्प या जो भी संगठन है, एक भी उदाहरण आप नहीं दिखा सकते हैं जहां पर इस प्रकार के घोटाले या इस प्रकार की चीजों में संलिप्त हो। संघ और उससे जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, वह सब राष्ट्र के लिए काम करते हैं, वो राष्ट्र ऋषि हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो चाहते तो प्रति माह लाखों रुपए कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया है। और विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी वैसे ये हैं जिन्होंने पूरा अपना जीवन इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये ऐसी पार्टियां हैं जो पहले से ही नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का वहां पर निर्माण हो सके। ये सारे मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं। जो पार्टी भारत के अंदर एक इस्लामिक प्रकल्प खड़ा करने और इस्लामिक जो है वो पॉकेट्स खड़ा करने में 70 साल लगाया हो, जो पार्टी जिहाद को भारत में स्थापित करने में योगदान दिया हो, उस पार्टी से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। यही पार्टी है ना जिसने कहा था कि राम एक काल्पनिक विषय है। इसी पार्टी के अर्जुन सिंह ने कहा था ना कि राम और सीता जो है वो भाई बहन थे। सहमत के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी थी अयोध्या के अंदर और वो भारत सरकार के द्वारा फाइनेंस की गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। इस देख चीज ध्यान रखिए, और घोटाले के बारे में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बेहतर कौन जानता है? दामाद घोटाले में जमीन घोटाले में शामिल, बेटा जमीन घोटाले में शामिल, स्वयं वो जमीन घोटाले में शामिल। जवाब बहुत हैं, आप जवाब दीजिएगा। मैं बीच में बोला नहीं हूँ, यदि बीच में कोई बोलेगा हिंदू मुसलमान डिबेट छोड़ दूंगा। के पास सही जवाब नहीं है दीपक जी, यदि आपके पास सही जवाब होते तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छा सुरेंद्र जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना। संगीत रागी जी कंक्लूड करिए, आपके 10 सेकंड और। सुरेंद्र जी कंक्लूड कर लेंगे। देखिए, ये आज के दिन में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। मैं बार बार इसे कहता हूँ, एक इटालियन क्रिश्चियन के द्वारा चलाई जा रही ये पार्टी भारत के अंदर हिंदुओं के हितों पर ऐसे आरोप लगाने लगते हैं जब समझना बहुत जरूरी है। ननिहाल है संघ वालों का इटली, भारत के अंदर क्रिश्चियन लॉबी जो है इसके लिए ये महिला काम करती है। भारत के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। बार बार कह रहे थे संगीत रागी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, प्लीज व्यक्तिगत ना हो, प्लीज व्यक्तिगत ना हो।